बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप डेट आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे और कोरोना वायरस से बचने के लिए टाइम टाइम पे हैंड वॉश कर रहे होंगे, मुंह पे मास्क लगा रहे होंगे और किसी से भी बात करने से पहले एक निश्चित दूरी तय कर रहे होंगे। मैं नेहा आपकी टीचर आज आप लोगों को हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना बताऊंगी। आपको पता ही होगा बच्चों कि जब आप लोग अक्सर कोई एक्टिविटीज करते हैं या धूप में ज्यादा खेलते हैं तो अक्सर आप लोगों को फीवर चढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, जिसके कारण आप अगले दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन स्कूल में तो इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि आप किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बीमारी के लिए, कि अगर आप बाई चांस बीमार हो जाए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपके शरीर में कमजोरी हो जाए या कोई भी रोग हो जाए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्कूल तक, अपनी टीचर तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आज ये मैं एप्लीकेशन आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए सेवा में। अच्छा बच्चों, सेवा में इसके लिए मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। स्कूल में तो ये आज भी अलाउड है कि आप सेवा में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अब हम सेवा में नहीं लिखते हैं, लेकिन स्कूल के लिए लिखते हैं, स्कूल में हम लिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय। बच्चों मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हो, रोहिणी में पढ़ते हो, रिठाला में पढ़ते हो या कहाँ पढ़ते हो, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नगर निगम प्राथमिक विद्यालय लिखा है। पर आप ये लिखने के बाद अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर जरूर लिखेंगे, उसके बाद दिल्ली। अब मैंने तो यहाँ पर दिल्ली लिख दिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जगह लिखेंगे कि वो कौन सी जगह पर है, यहाँ पे नाम और यहाँ पे जगह, उसके बाद दिल्ली मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, आई होप डेट ये आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदय मतलब हमारी टीचर, जिनके बारे में, जिनके लिए हम लिख रहे हैं। सविनय निवेदन ये है कि मुझे कल रात से बुखार है। मतलब बच्चा ये बताना चाहता है कि सविनय निवेदन ये है, वो निवेदन कर रहा है अपनी टीचर से कि उसे कल रात से अचानक से बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकती, कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। यानी इसमें आपको बताना है कि आप किस वजह से विद्यालय नहीं आ सकते हैं, तो आपको बुखार है इसलिए आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं। फिर धन्यवाद, जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं और वो हमें वो चीज देता है तो आपको पता है ना बच्चों, हमें उन्हें थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आप उनकी आज्ञा मानते हैं तो आप उनके आज्ञाकारी हुए, इसीलिए शिष्य हमेशा स्टूडेंट को कहा जाता है। नाम, रोल नंबर, कक्षा और दिनांक, ये लिखना बेटा बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे दिनांक लिखना छोड़ देते हैं जिससे उनके नंबर भी कट जाते हैं। एग्जाम में तो ये खासकर ध्यान रखा जाता है कि आप दिन और तारीख जरूर डालें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपको किस दिन बुखार हुआ है, तो ये दिन डालना बहुत जरूरी है। एक चीज बच्चे और गलती करते हैं कि वो पहले के टाइम के एप्लीकेशंस को लेकर चलते हैं, लेकिन आज के टाइम में बदल गया है। बच्चों आप लोग जब भी ये खत्म हो तो इसे इस साइड ना लिखकर उसके नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना अब ये पैटर्न चालू हो गया है कि हमें उसके नीचे ही लिखना है, बल्कि साइड में नहीं। जब भी एग्जाम में या वैसे भी हम इसे साइड में लिख देते हैं तो ये सही होने के बाद भी गलत हो जाता है और हमारे नंबर काट दिए जाते हैं। तो आई होप डेट बच्चों कि आज आप लोगों को बीमारी के लिए जो प्रार्थना पत्र मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा, और अगली बार आप जब भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो इन गलतियों को नहीं करेंगे और इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, सेफ रहिए, घर में रहिए, और आपको पता है ना कि हर किसी के काम को हमेशा प्रेरित करना चाहिए, उसे और अच्छा करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों अंक इंडिया एनजीओ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।